नई मोदी सरकार में लोकसभा स्पीकर के नाम का ऐलान हो चुका है। राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा के नए अध्यक्ष होंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ही बिरला के नाम पर मोहर लगा दी थी। इससे पहले लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी के कई सीनियर नेताओं का नाम सामने आ रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए ओम बिरला को ये पद सौंपा है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले बिरला दो बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बिरला सांसद बनने से पहले साउथ कोटा सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा चुनाव 2019 में कोटा लोकसभा सीट से ओम बिरला ने 2,79,677 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राम नारायण मीणा को हराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को अध्यक्ष पद का चुनाव होने से ठीक एक दिन पहले ही बिरला के नाम पर मोहर लगाई गई थी। बिरला को पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जाने वाले कामों के लिए भी जाना जाता है। ग्रीन कोट मिशन के तहत उनके काम की काफी सराहना भी की जाती है। ओम बिरला को पहली साल 2014 में मोदी लहर के दौरान सांसद बनने का मौका मिला था, जिसके बाद 2019 में वो एक बार फिर सांसद चुने गए। बिरला की इमेज काफी साफ सुथरी है, इसीलिए उन्हें बड़े जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप तक उनकी पहुंच मानी जाती है। पॉलिटिकल डेस्क, राजसत्ता एक्सप्रेस। समझना चाहते हैं खबर के पीछे की खबर और समझना चाहते हैं सियासत के मायने, तो बस जुड़ जाइए राजसत्ता एक्सप्रेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।